विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभातखबर.com। कोरोना वायरस के दुनिया भर में लगातार बढ़ते मामलों ने बड़ी परेशानी खड़ी कर रखी है। दूसरी तरफ वैश्विक अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही है। कारोबार को नुकसान हो रहा है, नौकरियां छिन रही है, बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है। हालात यह है कि न चाहते हुए भी कई देशों ने पाबंदियों के बीच लॉकडाउन खत्म कर दिया। भारत भी उन देशों में शामिल है जहां अनलॉक के जरिए लोगों को पाबंदियों के बीच रियायत दी गई। दूसरी तरफ विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच बड़ी चिंता जताई है। विश्व बैंक का अनुमान है कि कोरोना वायरस की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था में दूसरे विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी मंदी आ सकती है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में 5.2% की गिरावट आने का अनुमान है। भारत के लिए भी विश्व बैंक की रिपोर्ट खतरे की घंटी जैसी है। भारतीय अर्थव्यवस्था में 3.2% की गिरावट आ सकती है। भारत की GDP की ग्रोथ रेट 2017 में 7% थी। साल 2018 में GDP घटकर 6.1% रह गई। वित्तीय वर्ष 2019-20 में GDP 4.2% पर आ गई है। लॉकडाउन के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की GDP पर बड़ा असर होना तय है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 1870 के बाद यह पहला मौका होगा जब महामारी की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी का संकट आने वाला है। ग्लोबल अर्थव्यवस्था में साल 1870 के बाद अब तक कुल 14 बार मंदी आई है। साल 2009 में भी दुनिया को मंदी देखनी पड़ी थी और 2020 में भी मंदी के हालात पैदा हो गए हैं। कोरोना संकट के कारण विकसित देशों की अर्थव्यवस्था 7% घट जाएगी, जबकि विकासशील देशों की इकोनॉमी में 2.5% गिरावट आने की संभावना है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना वायरस ने लोगों की जेबों पर भी बड़ा असर डाला है। दुनिया भर में प्रति व्यक्ति आय में भी गिरावट आने का अनुमान है। करोड़ों लोग गरीबी की मार झेलने को मजबूर होंगे। पर्यटन और निर्यात पर निर्भर देशों की हालत बहुत खराब होगी। विश्व बैंक की रिपोर्ट में बताया गया है कि विकासशील देशों में असंगठित क्षेत्रों की स्थिति बहुत खराब होती दिख रही है। इस क्षेत्र में 70% तक रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। अगर भारत के लिहाज से देखें तो यहाँ की एक बड़ी आबादी असंगठित क्षेत्रों और खेतों से जुड़ी हुई है। इसको देखते हुए मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान भी किया है, ताकि कोरोना संकट के कारण पैदा हालत से निपटा जा सके। दूसरी तरफ कृषि, MSME से लेकर दूसरे सेक्टर्स को राहत देने का भी ऐलान हुआ है। कोशिश लॉकडाउन से पैदा हालातों से निपटने की है, लेकिन विश्व बैंक की रिपोर्ट ने परेशानी जरूर बढ़ा दी है। इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्रभातखबर.com। प्रभातखबर.com, विश्वास वही रफ्तार नई।